आशा करता हूँ कि इसका पिछला वीडियो आपने देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को देख लेना। आज का काम है, आज मैंने सोच कर रखा है कि फार्मिंग करेंगे एंड खेती करेंगे, तो उसको उसका फार्मिंग के लिए जो जो चाहिए सब खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, उसका जुगाड़ करना पड़ेगा। तो इसलिए ज़्यादा बकबक ना करते हुए शुरू करते हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल, आप सबका स्वागत है प्लेइंग ऑन इट में, मैं हूँ अमित। चलो खेलते हैं। तो उसके लिए पहले जगह ढूंढना पड़ेगा, पहले फार्म बनाने के लिए जगह बना लेता हूँ, फिर फार्मिंग करूँगा। तो इस जगह को उससे पहले भर कर लेवल कर लेता हूँ, क्योंकि इसको एक सीढ़ी टाइप लुक दूंगा, स्टेयर्स टाइप लुक दूंगा, फिर बनाऊंगा। सो ये जो लंबा सा जगह देख रहे हो, इस चारों तरफ होगा फार्मिंग और बिल्डिंग, बहुत सारा कुछ होगा, मैंने सोच कर रखा है। अभी इसको पहले सजा लेता हूँ, पहले स्टेयर्स बना लेता हूँ जैसे कि दिखने में अच्छा लगे, फिर जगह बनाने के बाद, इस जगह को प्लेन करने के बाद, जगह को प्लेन करने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तब तक आप उसका टाइम लैप्स देखिए। थोड़ा सा आयरन लाना पड़ेगा, क्योंकि बकेट बनाना पड़ेगा खेती करने के लिए, और बकेट बनाने के लिए आयरन लगता है, और बकेट नहीं होगा तो पानी नहीं डाल सकेंगे। सो आयरन लाना पड़ेगा, तो मैं ढूंढ कर लाता हूँ केब से, देखते रहिए। मर गया मैं। सामान को कलेक्ट कर लेता हूँ, फिर हमको आयरन ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा फिर से। जितना आयरन मिला मेरे को उतना ही लेकर आ गया, 9 मिला, 9 को रख देता हूँ पकने के लिए, आयरन होने के लिए। अभी एप्पल खा लेता हूँ, और ऊपर से जाकर जो ऊपर प्लेज है उधर से हेबल लेकर आता हूँ, जिससे कि ब्रेड बना लूँ। उससे मेरे को भूख बहुत ज़्यादा लग गई है, और हेल्थ भी कम हो गया था, तो हेल्थ भी इंक्रीज करना होगा, उसके लिए खाना पड़ेगा, नहीं खाएगा तो हेल्थ इंक्रीज भी नहीं होगा, तो इसलिए ऊपर से हेबल लेकर आते हैं। जल्दी से ब्रेड बना लेता हूँ, जल्दी जल्दी। इधर तो डॉगी है, देखता हूँ, मेरे पास हड्डी था तो टेम हो सके, ये 3 हड्डी से टेम हो जाएगा तो अच्छा होगा। अब खाले खाले टेम होता नहीं हुआ, क्या करें, मेरे पास और नहीं है, अभी के लिए छोड़ता हूँ, बाद में जब हड्डी आएगा तब टेम करेंगे। तो हमारा जो काम कर रहे थे वो काम कंटिन्यू करता हूँ। आयरन लगता है पक गया होगा, आयरन को ले लेता हूँ। हाँ, आयरन पक गया है, अभी आयरन से बकेट बना लेता हूँ। आयरन का बकेट एक हो गया, फिर पानी लेकर आता हूँ। पानी नीचे तो नीचे नदी है उधर, उस तरफ उधर पानी लेकर आता हूँ उधर से। अभी पानी को ले जाकर सोच रहा हूँ कि एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना लेता हूँ, जिससे कि बार बार मेरे को पानी लेने के लिए नीचे इस नदी पे आना ना पड़े,
सोच रहा हूँ कि वाटर सोर्स को घर के सामने बना लूँगा, जिससे कि बाद में इसको डेकोरेशन भी करना पड़ेगा पानी से, वो सोच कर रखा है, तो उसके लिए मदद भी हो जाएगा। और इधर से पानी भी ले लूँगा जब जब लगेगा, इधर ही बना लेता हूँ। इधर ही बनाते हैं और गेट को पहले खोल देते हैं, जिससे कि मुझे आने जाने में आसानी होगी। हाँ, इस ब्रिज के नीचे बनाता हूँ इधर को, एक तो इसको इधर एक आएगा वाटर बकेट, उस तरफ एक आ जाएगा, फिर अनलिमिटेड वाटर सोर्स हो जाएगा। और एक बाल्टी लेकर आता हूँ, ले लिया है, अभी इसको इधर डाल देता हूँ। अब हो गया, स्थिर हो गया पानी, अनलिमिटेड वाटर सोर्स, अभी इस पे से जितना हो सके वाटर ले सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी इधर से फार्मिंग शुरू करता हूँ, चार ब्लॉक छोड़कर गड्ढा करूँगा जिधर से आएगा हमारा पानी। एक दो तीन चार, अच्छा इधर से एक, इधर से दो, इधर से तीन, अब इधर से चार, चार आ गया, चार चार, अभी इधर से गड्ढा होगा एक, फिर इधर आएगा हमारा पानी। एक बार हमारा पानी आ गया, अभी मेरे पास नहीं है सवल, नहीं है, एक सवल को लेकर आता हूँ। इधर इस चेस्ट में है सवल, इसको ले लेता हूँ और लगे हाथ एक होई भी बना लेता हूँ, स्टोन का ही बनाएंगे, अभी आयरन वेस्ट नहीं करेंगे। जब आयरन अनलिमिटेड हो जाएगा तब आयरन से ही बनाएंगे, अगर बाद में डायमंड से भी बनाएंगे उस वो बाद की बात है, अभी के लिए स्टोन का ही ठीक है। तो इधर से एक बकेट पानी और ले लेता हूँ, बाद में काम आएगा उधर ही। तो इधर से मेरे को गड्ढा करना शुरू करना होगा इस पानी की स्ट्रेट। अभी पानी आ गया, अभी उधर और इधर खेत को होई कर देता हूँ जल्दी से, फिर हमारा खेती शुरू करेंगे, सीड्स लगाएंगे। अभी इधर से खेती कर देता हूँ, ये अभी पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी इस तरफ कर देंगे, उस तरफ तो करना हो गया, इस तरफ हो गया, अभी इस तरफ करना होगा, देखते हैं कर लेते हैं। इस तरफ का भी होई करना हो गया, दोनों तरफ का होई कंप्लीट। अभी सीट ढूंढ लेता हूँ, इसी घास में से मिल जाएगा हमको, जितना हो सके ढूंढ लेता हूँ। एक मिल गया, दो हो गया, तीन मिल गया, चार मिल गया। एक बार चेस्ट में भी देख लेता हूँ, चेस्ट में थोड़ा था लगता है, एक बार देख लेता हूँ। इधर एक है, इधर एक मिल गया, और दूसरे चेस्ट में एक बार देख लेता हूँ। इस चेस्ट में पाँच सात है और 13 हो गया। इधर से कैरेट भी मिल गया, पोटैटो भी मिल गया, और इधर से मेलन भी मिल गया। मेलन का सीड बनाना पड़ेगा, उससे पहले इन सबको लगा कर आता हूँ जितना लग सके लगा सके। इधर से आ जाएगा हमारा सीड्स, जो जिससे हमारा होगा वो जो उसको क्या बोलता है, जिससे हमारा ब्रेड बनता है, वो हो जाएगा व्हीट। व्हीट हो जाएगा इससे, इस लाइन को व्हीट से कवर कर देंगे, फिर हमारा उस साइड को पोटैटो का लाइन लगा देंगे, इधर से पोटैटो का लाइन नहीं लगाएंगे। इधर से सोचे थे कि मेलन का लगाएंगे, मगर मेलन का सीड बनाना पड़ेगा, आता है सीड बनाएंगे, फिर मेलन का फार्मिंग इधर कर देंगे। उससे पहले उधर से पोटैटो लगा देते हैं, इधर से आ जाएगा हमारा पोटैटो, जितना हो सके पोटैटो लगा देता हूँ। और फिर एक ही गाजर है, उस गाजर का इधर ही लगा देंगे, जितना हो सके लगा दूँ। इधर एक आ जाएगा, इधर से आ जाएगा, और इधर से भी आ जाएगा लंबे से। स्पीक को खाना है पोटैटो, मगर तुमको बाद में मिलेगा। इधर एक कैरेट बचा हुआ है, कैरेट को भी लगा दिया। अभी चेस्ट से लीड ले लेता हूँ और फेंस बना लेता हूँ, क्योंकि एनिमल फार्मिंग भी करेंगे तो एनिमल को रखना पड़ेगा। फेंस ले लेता हूँ, थोड़ा है, दो ले लिया लीड, और फेंस भी 16 है, और बना लेता हूँ जल्दी जल्दी से, जितना हो सके उतना बना लेता हूँ। फिर फेंसिंग भी करना होगा, उधर रखेंगे हमारा एनिमल्स को, काउ पीक और सीप को, फिर उधर से ब्रीडिंग करके उनका जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज करूँगा। तो अभी जल्दी से बना लेता हूँ, और पम्पकिन सीड भी और मेलन सीड भी हो रहा है, मेलन सीड को बना लेता हूँ, मेलन को पम्पकिन बोल रहा था, ठीक है। तो अभी चलो जाता हूँ, और जो फेंसिंग है फेंसिंग को जल्दी से निपटा लेता हूँ, फिर
मेरे को एनिमल लाने के लिए जाना पड़ेगा, दूर नहीं इधर ही मिल जाएगा। एक एक गैप छोड़कर मिलन सीट को लगा देता हूँ, इधर से जाने के लिए रास्ता बना देता हूँ सवल से। अभी इधर से हमारा फेंसिंग शुरू होगा, तो फेंसिंग भी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप सबसे। यह है लास्ट फेंस, ये दोनों लगा दिया। अभी भी एक ज़रूरत है मगर है नहीं, तो क्या करें और बनाना होगा लगता है। नहीं नहीं बनाना की ज़रूरत नहीं है, इधर एक तोड़कर इधर गेट लगा देता हूँ और एक फेंस बच जाएगा, इस फेंस को उधर लगा देंगे। एकदम परफेक्ट फेंस क्रिएट किया था, ज़्यादा बनाया भी नहीं और कम भी नहीं पड़ा। इस तबले के लिए गाय और सीप और पीक को लेकर आता हूँ, एक मिल गया, तू चल मेरे साथ जल्दी जल्दी, आजा आजा जल्दी जल्दी आजा 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 जल्दी से अंदर आजा, तुझको छोड़ देता हूँ फिर तेरा साथी को लेकर आता हूँ, चल इधर रुक जा, गेट को लगा देता हूँ, मिल गया, चल तू मेरे साथ चल, तुझको उधर रखूँगा, आजा अंदर आजा जल्दी से, तुझको भी इधर छोड़ देता हूँ, फिर तेरा साथी को लेने के लिए जाना पड़ेगा ढूंढने के लिए, तू इधर रह, तू चल मेरे साथ, तेरा साथी उधर इंतज़ार कर रहा है, आजा आजा जल्दी से आजा मेरे साथ। अभी तेरा साथी भी आ गया, देख एक साथ रह दो, तुम दोनों झगड़ा मत करना, इधर तुम भी रहो उधर वो भी रहे, दोनों एक साथ रहना। गेट लगा कर जाता हूँ, तुझको भी लेकर जाऊँगा, पहले इधर फेंस लगा देता हूँ जिससे कि ये दोनों भाग ना जाए, चल तू चल, सिर्फ तुझको भी ले जाऊंगा, तू चल मेरे साथ, तेरा दो साथी उधर है, आओ तुम दोनों को छोड़ देता हूँ, छोड़ दिया अभी, चलो जल्दी से। और क्या सिप को नहीं छोड़े, पीक को छोड़ दिया, ठीक है सिप तुमको छोड़ देते हैं, आ जाओ। ये देखो देखो वो दोनों भाग गया, उन दोनों को भी अभी पकड़ने के लिए जाना पड़ेगा, चल चल जल्दी से चल उन दोनों को पकड़ने के लिए। ये पीक कहाँ खो गया मालूम ही नहीं पड़ा, चल छोड़ सिप को ही लेकर जाता हूँ पहले, चल सिप चल मेरे साथ जल्दी से, एक बार फिर से ढूंढ लेता हूँ, इधर भी नहीं है, किधर चला गया मालूम नहीं, अभी उधर नहीं था, इधर कैसे आ गया मालूम ही नहीं पड़ा। अच्छा इधर है तू, चल तुझको भी अभी नहीं छोड़ूंगा, पहले तुझको छोड़ूंगा फिर इसको छोड़ूंगा, दोनों मेरे हाथ से छूटकर भाग रहे थे, चल पहले तुझको छोड़ूंगा, आजा के करके आना पगलेट आदमी है वो, जल्दी से आजा, पहले पीक तू आ, जल्दी से आ, तो मारूंगा ना ऐसा फिर से, क्यों नखड़ा क्यों कर रहा है, हाँ आजा रुक इधर, वो क्या वो गाय का तबेला है, तेरा नहीं है, चल चल सिप के पास चल, तेरा जगह जिधर है उधर चल। अभी इन दोनों गाय को लेकर जाता हूँ, चल तू मेरे साथ, अभी इधर ज़्यादा नखड़े मत कर, एक एक करके आ, तू आ पहले फिर तेरे साथी को लाता हूँ, इधर रुक उसको भी लाता हूँ, वो किधर भाग रहा है, इनको लेकर मैं क्या करूँ, एक को रख रहा हूँ तो एक भाग जा रहा है, एक को रख रहा हूँ तो वो दूसरा भाग जा रहा है, चल जल्दी से चुपचाप इधर आ, इधर रह तभी खाना मिलेगा तुमको, रुक जा इधर अभी तेरे लिए खाना जुगाड़ करता हूँ। और विलेज से जो हेबल मिला था उससे ही व्हीट बना लिया, अभी इनको खिला देता हूँ, तुम लोग ब्रीडिंग करो जल्दी से। वो देखो खाने के लालच में वो खुद आ गया, भाग रहा था बहुत, ठीक है जाओ उनको भी खिला दिया, अभी इस गाय को भी, गाय दोनों को भी खिला देता हूँ, लो जल्दी से खाओ और ब्रीडिंग करो और अपना तबेला पूरा भर्ती कर दो उससे, अपने बच्चे से, चलो। तो मेरा आज का काम हो गया है, तो जो जो मैंने बोला था करूँगा वो सब कर लिया, इनको भी खिला दिया, ऑफलाइन में इनको एकदम खिला खिला कर बड़ा कर दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू फॉर वॉचिंग।